हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो दोस्तों, कुछ भाई के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस महीने भी हमारे 8,000 8,200 8,300 की फिट पे हमारे रंग नहीं आ रहा है, तो क्या इसमें रंग आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, रंग तो कोई भी सेब है उसमें जितने भी रेड उसमें आते हैं उन सब में कलर आ जाता है, वेट करना पड़ता है। और बात यह है, अगर आपके पत्तियां झड़ जाती है तो उसके बाद ये जो सेब है, ये जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये लाल होने की बजाय पीला हो जाता है थोड़ा सा, मतलब पुराना सा लगता है कि ये काफी पुराना सेब हो चुका है। जब आप इसको बॉक्स में भरेंगे इसमें शाइनिंग नहीं होती है, ये आप देख सकते हैं, तो इनमें कलर नहीं आता है। इसके लिए आप जो आपके इस टाइप के पेड़ है, या तो आप उनको कन्वर्ट कर दे, अगर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो इन पे आप जो आपकी पोटाश खाद होती है उसे सॉइल में भी ज़्यादा दे और ऊपर स्प्रे में, उसमें स्पेशली इन पेड़ों में अगर आप स्प्रे करेंगे, वैसा ऐसा करना इम्पॉसिबल है। अगर आपके कहीं ज़्यादा पेड़ है या आपको ध्यान में है, अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग इसमें पोटाश, जो भी पोटाश होता है उसे आप डालें, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कलर नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर कलर आपको दिख भी रहा होगा, जब मैं इस सेब को इस तरह से उल्टा कर दूंगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल हरा है सेब। ये देख सकते हैं इसकी बैक, ये यहाँ भी मैं आपको सेब दिखा दूँ, यहाँ से ये बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप इसकी बैक में जाएंगे तो आप इसकी शक्ल देखें कितना इसके हरा है। ये देख सकते हैं आप, ये सेब हरे है और बॉक्स में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से इस तरह से है और टॉप से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ रहा है। तो इसी तरह बहुत सी वीडियो बनाई जाती है, इमेजेस दी जाती है, उसमें फ्रंट का आपको सेब दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा कलर है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा कलर आता है किसी में, वो गाला है चाहे जो मर्जी है, चाहे कितनी भी एडवांस वैरायटी है, जहाँ पर आपके धूप नहीं आएगी वहाँ पर कलर नहीं आने वाला है। बहुत मुश्किल से आप लोगों के कलर आता है, बिल्कुल रेड सेब को करना ये एक इम्पॉसिबल बात है। ये तभी हो सकता है अगर आपकी थिनिंग होगी। मान लीजिए आपके यहाँ पर चार सेब है, चार सेब में से आप तीन सेब रखते हैं, फिर भी आपके कलर नहीं आने वाला है। चार में से आप दो रखते हैं तो फिर भी आपको मैं बोल सकता हूँ कि 80% तक आपके कलर आएगा। हाँ, अगर आप चार में से सिर्फ एक सेब थिनिंग में रखते हैं तो आपके 92-95% तक कलर आ सकता है। फिर भी ये वाला जो पार्ट होगा बीच का, आप जहाँ से ये आता है, ये हरा ही हर सेब का रहेगा। ये आप लोगों ने कभी चेक नहीं किया होगा, पर आप देख ले, इसमें कलर आना एक इम्पॉसिबल सी बात है। आप लोग अपने जो भी आप लोगों के अच्छी वैरायटी है, रेड डिलीशियस वैरायटी जिसको बोल रहे हैं, तो वो सब का यही हाल है। तो मैं आपको कुछ और चीज भी उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जब हम पेड़ कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने ही ये पेड़ कन्वर्ट किया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें दो कलमें लगाई है और ये 2 साल की हो चुकी है, ग्रोथ इसमें कम थी, फिर भी जैसी मर्जी है ग्रोथ है, तो इसको फिल होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगले साल मेरे आईडी से यहाँ पर भी 1-2 सेब लग जाएगा, तो इसके टूटने के चांसेस भी बनते हैं। या तो इसमें एक आधा सैंपल के लिए हम लोग रख लें, या इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी तभी ये फिल होता है। कन्वर्ट करने में भी हमें लॉस हो जाता है। अब मान लीजिए आपके वो सेब जा रहा है 2000 का बॉक्स जा रहा है या जितने का बॉक्स जा रहा है, अगर आप इतना बड़ा कन्वर्ट कर देते तो नेक्स्ट ईयर तो आपके आने वाली नहीं, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा पेड़ होगा उसमें एक बॉक्स या एक हाफ आने की कोई उम्मीद नहीं है। 2-4-6 सैंपल लगते हैं, जितना बड़े से बड़ा आप पेड़ कन्वर्ट कर दे, ज़्यादा भी लग जाएंगे तो उसमें साइज बिल्कुल ज़ीरो होगा। वो सभी भाई हमारे जानते हैं कि क्या इसकी हालत होती है। जब अगर साइज मैं आपको दिखा दूं, इस टाइप का साइज होगा तो चाहे आपके पेड़ में जितने मर्जी दाने होंगे, इनका फायदा कोई नहीं। आप देख सकते हैं इस महीने भी ये हालत है इनकी, सेबों की। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बहुत अहम रोल होता है। और थिनिंग में आप थिनिंग करिए, थिनिंग में आप सेब तोड़िए, मतलब एक सेब को आप 15 दिन के गैप में ले जाए। जो भी बड़े हमारे ऑर्चरिस्ट है, जिनके बड़े बगीचे हैं, वो लोग थिनिंग में इसे थोड़े थोड़े करके तोड़े, ज़्यादा आपने नहीं तोड़ने हैं वो।
आधे निकाल दीजिए, जैसे इन इन पेड़ों में भी आधे निकाल दीजिए। तो ये सिक्स लेयर था, अब सेवन लेयर था, अब सिक्स लेयर में ये आ चुका है। माफ कीजिए, गलत बोल दिया मैंने। तो सेवन लेयर पे ये था, अब सिक्स लेयर पे ये आ चुका है। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी करके थिनिंग कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा ऑर्चर्ड है। छोटे ऑर्चर्ड में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये आप देख सकते हैं, ये भी कलम है, इसके साथ सेटिंग ठीक हुई है। तो छोटे में आपको ये पॉसिबल नहीं है, बड़े में आप लोग ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।